फ्री एंड बाउंड चार्जेस में अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के अंदर आउटर शेल में, सपोज करो एक कंडक्टर है, मान लो आप सब एक कंडक्टर हैं और आप सब एटम्स हैं कंडक्टर के, बैठे हैं अपनी जगह पे, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने वाला हूं और ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सामने अप्लाई कर दिया, तो जब मैंने सामने हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो आपके घूमते हुए आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंड हैं वो मैं खींच लूंगा अपनी तरफ इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जाएगा, मैं फोर्स लगाऊंगा सारे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लूंगा, तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने खींचे वो मूवेबल हैं, वो फ्री चार्ज है, और आप लोग बैठे के बैठे रह गए पॉजिटिव तो आप बाउंड चार्जेस हैं, तो आप फंस गए हैं, बाउंड चार्ज है, बैठे हैं अपनी सीटों पर, क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा मूव करोगे मेरे साथ, ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तब एटम थोड़ा मूव करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो मेटेलिक कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर शेल ऑफ एटम आर लूजली बाउंड, दे गेट डिटैच फ्रॉम द एटम एंड मूव फ्रीली, तो ऑब्वियसली द पॉजिटिव आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर शेल्स वो फिक्स रह जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बाउंड चार्जेस, तो ये फ्री और बाउंड चार्जेस है।